फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम FCS सॉफ्टवेयर एंड सॉल्यूशन लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी दिनों से इस स्टॉक के बारे में कोई बात नहीं है और इस स्टॉक का जो फंडामेंटल है और जिस तरीके से इस कंपनी का फंडामेंटल ग्रो कर रहा है, इसके बदौलत इस कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत जल्द आपको एक रॉकेट वाली तेजी देखने को मिलेगी। इसलिए इस कंपनी के बारे में फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि FCS सॉफ्टवेयर में यदि आपका इन्वेस्टमेंट है और नहीं है तो क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं, शुरू से हर एक चीज़ को जानते हैं। देखिए FCS सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो 2.20 रुपये पर इसने अपना क्लोजिंग दिया है। वो अभी तकरीबन यहाँ पे कोई आपको तेजी दिखाई नहीं देगा, वो इसलिए नहीं दिखाई देगा क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पर प्राइस ओपन हुआ था वहीं पर इसने अपना क्लोजिंग दे दिया। इसलिए जब इस तरह का सिनेरियो बनता है तो चार्ट पर कोई मूवमेंट आपको नहीं दिखता है और यहाँ पर भी कोई तेजी या गिरावट नहीं देखने को मिलता है। पिछले एक सप्ताह हम देखेंगे, एक सप्ताह में सिर्फ 5 दिन ही मार्केट ओपन रहता है, इसलिए यहाँ पर 5 दिन का ही शो करता है। 5 दिन में भी कोई तेजी नहीं, सेम रीजन है क्योंकि जहाँ पर प्राइस ओपन हुआ था एक सप्ताह पहले वहीं पर एक सप्ताह बाद भी सेम प्राइस पर अपना क्लोजिंग दे दिया, इसलिए चार्ट पर कोई मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। पिछले एक मंथ में देखेंगे तो पिछले एक मंथ में स्टॉक तकरीबन 2.5% के आसपास आपको चढ़ते हुए नजर आएगा और 2 मई के बाद से तो क्या स्टॉक में शानदार तेजी बना है। अभी थोड़ा सा ये कंसोलिडेशन मोड में चला गया है। मैं आपको चार्ट पर अच्छे से समझाऊंगा कि अभी स्टॉक कंसोलिडेट क्यों कर रहा है, कब इससे बाहर निकलेगा और ऊपर कब जाएगा। इसके अलावा पिछले 6 मंथ में देखेंगे तो 6 मंथ में तकरीबन 21% के आसपास अभी भी इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है। जहां जो दूसरे पेनी स्टॉक हैं उनमें देखेंगे तो 6 मंथ का रिटर्न भी, जैसे वैक्सी लाइफ केयर में देखेंगे ये 6 मंथ का रिटर्न आपको ग्रीन में हो गया, पॉजिटिव में आ गया, लेकिन इसमें अभी भी निगेटिव में क्यों शो कर रहा है। और इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो अभी भी आपको डाउन ट्रेंड में ही दिखेगा ये पैटर्न। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से डाउन ट्रेंड में नहीं है, यहाँ से देखेंगे तो कंसोलिडेशन मोड में आपको दिखाई देगा। तो ये अब धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ से ऊपर उठेगा, वही मैं आपको सब समझाऊंगा कि ये प्राइस ऊपर कब उठेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग FCS सॉफ्टवेयर एंड सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी के सबसे पहले चार्ट के माध्यम से यानी कि टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं कि इस कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी कब बनेगी और जो गिरावट हुई है वो गिरावट किस वजह से हुई है। उसके बाद फिर हम लोग कंपनी के फंडामेंटल को, कंपनी क्या काम करते हैं, इन सब मुद्दों को डिस्कस करेंगे और फिर कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि इस कंपनी में हमें करना क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले मैंने इस कंपनी के एक साल का चार्ट ओपन कर लिया। इस कंपनी के शेयर प्राइस में यहाँ तक ये जो पार्टिकुलर लेवल है ये 2.60 रुपये का लेवल है, यहाँ तक सब ठीक था। लेकिन इसके बाद फरवरी 2023 में क्या हुआ कि यहाँ से देखेंगे तो प्राइस नीचे आने लगा और प्राइस नीचे आया 1.80 रुपये तक, ये जो 1.80 रुपये का लेवल है। लेकिन इसके बाद देखेंगे अप्रैल में, ये अप्रैल का एरिया है जहाँ पर ये प्राइस सपोर्ट लिया है और यहाँ से अप्रैल 2023 के बाद से देखेंगे तो क्या शानदार तेजी से स्टॉक में मिली है। तकरीबन 1.80 रुपये से उठकर प्राइस इसका फिर से 2.60 रुपये तक गया है और चूंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था इसलिए फिर यहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस लेकर थोड़ा बहुत नीचे आया। तो होता क्या है कि जब प्राइस काफ़ी दिनों से नीचे की तरफ आ रहा होता है तो कहीं ना कहीं पर तो सपोर्ट लेगा और जहाँ पर सपोर्ट लेगा वहाँ पर फिर न्यू बायर आते हैं, न्यू बायर इसको फिर ऊपर लेकर जाते हैं और जहाँ पर रेजिस्टेंस होता है वहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होता है तो फिर प्राइस थोड़ा रिवर्स मारकर फिर ऊपर जाता है और तब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकलता है। तो यहाँ पर एक डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन होता है और जब भी डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन होता है तो शानदार तेजी आपको चार्ट पर देखने को मिलती है। तो अभी इस स्टॉक में देखेंगे तो वही काम हो रहा है, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद फिर प्राइस देखेंगे तो नीचे आया और नीचे आने के बाद फिर ये प्राइस अब यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट मारकर यहाँ से प्राइस फिर ऊपर उठेगा। तो ये जो 2.60 रुपये का लेवल है इसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर निकल जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे एक टाइप ऑफ डब्ल्यू बनते हुए आपको नजर आएगा। तो इसलिए अभी आपको एकदम मतलब इसमें बने रहना है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो इस स्टॉक से बाहर नहीं होना है क्योंकि एकदम क्रूशियल जोन पर इस स्टॉक का जो चार्ट है अपने एकदम क्रूशियल सपोर्ट जोन पर खड़ा है और यहाँ से रिवर्स मारकर प्राइस ऊपर उठेगा ही उठेगा। और इसके इसको मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी का जो फंडामेंटल है वो काफ़ी मजबूत होते हुए दिख रहा है। सबसे पहले काम की बात करते हैं, कंपनी काम क्या करती है। देखिए कंपनी आईटी सेक्टर काम करती है, आईटी सेक्टर में बहुत सारे काम होते हैं, चाहे वो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज प्रोवाइड करना होगा, आईटी इंफ्रा मैनेजमेंट देनी हो गई, ये सब कंपनी काम करती है और बेसिकली नोएडा बेस्ड कंपनी है, नोएडा में इस कंपनी का हेड क्वार्टर आपको मिल जाएगा। फंडामेंटल से शुरुआत करते हैं, कंपनी के फंडामेंटल कैसे है। तो जहाँ मैं अपने हर एक वीडियो में कहता हूँ 100 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है तो वो पेनी स्टॉक आपको एक अच्छा पेनी स्टॉक बनते हुए दिख सकता है। यहाँ पर तो तकरीबन 400 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप पहुँचने वाला है और जैसे जैसे शेयर का प्राइस बढ़ता है आपको पता है कंपनी का मार्केट कैप भी बढ़ता है। यहाँ पर देखेंगे कंपनी का शेयर प्राइस इसके बुक वैल्यू से बढ़िया है, ज़्यादा है, मतलब ये अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए थोड़ा बहुत कम है, ये मैं बात एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन पेनी स्टॉक के देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादातर माइनस में होते हैं, लेकिन ये माइनस में नहीं है, ये तकरीबन 1% के आसपास है, ये काफ़ी शानदार बात है। ये रहा क्वार्टरली रिजल्ट। और सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं, देखिए दिसंबर क्वार्टर में जो कंपनी के सेल्स हुए हैं पिछले 3 क्वार्टर से देखिए तीनों क्वार्टर के मुकाबले इसका कंपनी का सेल्स दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट में ज़्यादा हुआ है, यानी कि कंपनी के सेल्स लगातार बढ़ रहे हैं और अभी Q4 के नंबर आने बाकी हैं। Q4 के नंबर में ये सेल्स और ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि शेयर प्राइस आपका और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखिए Q4 का नंबर हर एक कंपनी के लिए मैटर करता है, जब सेल्स बढ़ रहा है तो यहाँ पर आपको देखेंगे कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी होते हुए दिखाई। देखिए दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट में 76 लाख का प्रॉफिट हुआ जो कि पिछले कई क्वार्टर में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी तकरीबन 20% के आसपास है, जहाँ जो दूसरे पेनी स्टॉक हैं उनमें प्रमोटर्स गायब होते जा रहे हैं, उन्हें प्रमोटर्स हैं
ही नहीं लेकिन इसमें प्रमोटर्स तकरीबन 20% के आसपास है, यानी कि कंपनी की को जिन लोगों ने बनाया उनको इस पर भरोसा है और इस पर बने हुए। तो जब कंपनी मैनेजमेंट का इस पर भरोसा है, कंपनी को बनाने वाले लोगों का इस पर भरोसा है, तो पब्लिक का तो इस पर भरोसा होगा ही। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में सीएस सॉफ्टवेयर थोड़े से क्वांटिटी में होने चाहिए, लेकिन होने ज़रूर चाहिए। और इसके बदौलत इसके बाद जो भी आप कीजिएगा, आप सीएस सॉफ्टवेयर में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा या इससे बाहर निकलेगा, टोटली आपका फैसला है। आप अपने सोच बूझ अपनी समझ के साथ कीजिएगा, मेरे कहने पर कुछ मत कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सी एस सॉफ्टवेयर के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई सवाल होगा, कन्फ्यूजन होगा, तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।